ये आज तक हमको आजादी से अभी तक समझ में बिल्कुल नहीं आया कि आखिर सरकार इसको प्रमोट क्यों कर रही है। ये प्रमोशन नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार इसका प्रमोशन करते हैं। सरकार वाकई में डॉक्टर अमोद कुमार झा ने बहुत सही बात कही कि देश की आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी सरकारें हुई किसी भी सरकार ने तंबाकू के ऊपर कोई सही स्टैंड नहीं लिया। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े एक्ट्रेस तंबाकू गुटखा का बड़ा बड़ा ऐड देके लाखों करोड़ रुपये कमाते, लेकिन जो आम जनता है वो उसका सेवन करके अपने घर के लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देती है और काफ़ी सारे बीमारियों को अपने शरीर में, अपने परिवार में और समाज में फैला देती है ये तंबाकू का इस्तेमाल करने से, पान पड़ा, गुटखा, सिगरेट। आज इसी विश्व तंबाकू डे पे दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में डॉक्टर ए के गुप्ता ने एक प्रेजेंटेशन रखा कि आखिर ये तंबाकू का सेवन करने से लोगों को क्या हानि होती है और कोई अब चाह ले तो तंबाकू का सेवन भी छोड़ सकती है और डॉक्टर किस तरीके से सलाह दे अपने पेशेंट को और जल्द से जल्द ज़्यादा रिकवरी हो सके। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तंबाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन ना ही उस आदमी के लिए हानिकारक है जो उसका इस्तेमाल करता है, बल्कि इन ए फॉर्म ऑफ पैसिव स्मोकर उनके परिवार के भी लोग उससे इफेक्टेड होते हैं और उसके कारण वातावरण भी प्रदूषित होता है और उसका भी खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। सर, आज विश्व टोबैको डे पे IMA की तरफ से क्या किया जा रहा है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज 21 मई को 1987 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर। उस अवसर पर हम IMA के सभी साथी लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, सेमिनार का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर AK गुप्ता सर हैं और दूसरे यहाँ के साइकेट्रिस्ट हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रकाश कुमार झा हैं। इन दोनों के माध्यम से हम लोग सारा समाज को ये कहना चाहते हैं कि जो ये तंबाकू है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे सिंपल तंबाकू कुछ लोग च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, या वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, जर्दा हो या पीला पत्ती हो, किसी भी रूप में हो, इससे लोगों को बचना चाहिए। ये बहुत ही घातक चीज़ है, इसके कारण से आदमी को सिर्फ ये नहीं कि मृत्यु हो जाती है, इससे ज़िंदगी भर बहुत सारी परेशानियाँ होती है। इससे हृदय रोग से, फेफड़ा रोग, मुंह का रोग, कैंसर से लेकर के शरीर में बहुत तरह की बीमारियां होती है, जिसको लोगों को जानना चाहिए ताकि इसके संपर्क में नहीं आए, इसका सेवन नहीं करें। यदि इसका सेवन जो लोग करते हैं इनके खतरनाक परिणाम को देखते हुए उससे बचें, ताकि परिवार के ऊपर भी किसी भी तरह का आर्थिक बोझ भी नहीं हो, से बचा जा सकता है। सर, पल्स पोलियो की तर्ज पे सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि अगर हम बात करें ITC की, अगर टाटा की सबसे बड़ी कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में, लेकिन उसकी ही कंपनी सबसे ज़्यादा टोबैको का प्रोडक्ट बनाती है। पल्स पोलियो की तर्ज पे इसको प्रचार करें कि इससे खामियाजा तो लोग भी समझ सके, इस पर अब सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये संपूर्ण दायित्व तो सरकार की है, उसके पॉलिसी क्या है, लेकिन ये बड़े ही दुख की बात है कि आज़ादी के आज तक के इतिहास में कभी हमने ऐसा नहीं कानून देखा, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं देखी कि लोग तंबाकू या किसी भी तरह के नशा मुक्ति से उसका रूट लेवल पर चोट पहुंचाया जाए। जैसे सपोज के तौर पर ये सारे जो प्रोडक्शन जहां पर भी होते हैं, सरकार को मेरा सलाह है कि उस रूट लेवल पर ही उसको डैमेज कर देना चाहिए, प्रोडक्शन ही ना ही नहीं होना चाहिए, ताकि ये हमारे समाज में, हमारे मार्केट में वो नहीं आ पाए। लेकिन ये आज तक हमको आज़ादी से अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर सरकार इसको प्रमोट क्यों कर रही है। ये प्रमोशन नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार इसका प्रमोशन करते हैं, सरकार इससे टैक्स लेती है। और ये बड़ा ही दुखद आश्चर्य है कि एक तरफ तो सरकार बनाने के लिए छूट देती है, उसको प्रमोट करती है, दूसरी तरफ अपना टैक्स लेती है, मार्केटिंग देता है, और तीसरी तरफ जो है उससे जो संबंधित बीमारियां, खतरनाक से खतरनाक बीमारियां होती हैं, उसके उपचार के लिए कुछ हॉस्पिटल खोले जाते हैं, कुछ स्पेशल सेंटर खोले जाते हैं, कहने के वहाँ इन्वेस्ट सरकार करती है। ये जो मनोस्थिति है, मनोदशा है सरकार की, ये मेरे समझ से परे की बात है और ये किसी खास सरकार के बारे में हम नहीं करें,
तो आज तक के इतिहास में ऐसा मनोदेशी हम बच्चा से लेकर अभी तक हम जो देख रहे हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आया कि एक ही चीज़ को लोग जो है बनाने के लिए प्रमोट करता है, मार्केटिंग के लिए प्रमोट करती है गवर्नमेंट, उसके बाद जब उस कारण से लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, बीमारियां होती है, तो उसके इलाज के लिए कुछ न कुछ जो है सरकार के तरफ से व्यवस्था हो जाती है या हॉस्पिटल खुल जाते हैं। ये मेरे समझ से बाहर अभी तक है। हम लोग सलाह देंगे IMA के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि इसके जड़ पर जो है प्रहार किया जाए। ये नशा खतरनाक है, इससे बहुत सारी बीमारियां, असाध्य बीमारियां होती है, जिससे कई परिवार उजड़ जाते हैं। व्यक्तिगत तो क्षति शारीरिक मानसिक आर्थिक होता ही है, और समाज का भी बहुत ये हो जाता है, अहित हो जाता है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आमोद कुमार झा है, मैं IMA दरभंगा ब्रांच का सचिव सह प्रवक्ता हूँ।